Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अमरीकी वजीर खारजा रेक्स टिलरसन कल पाकिस्तान नई अमरीकी पॉलिसी के तनाजुर में अहम मुलाकातें करेंगे। टिलरसन की अफगान सदर अशरफ गनी से मुलाकात, दहशत गर्दों की पनाहगाहों के खात्मे के लिए इत्तेहादियों के साथ मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। ताकीरी हरबे काम आए नहीं हीले बहाने, शर्जील मेमन जमानत मुस्तरद होने पर 5 घंटों बाद अदालत से बाहर निकलते ही नैब के हाथों गिरफ्तार। हाथापाई और धक्कमपेल से गिरेबान चाक हो गया। शर्जील मेमन कहते हैं तमाम इल्जामात बेबुनियाद हैं। गिरफ्तारी पेश कर रहा हूँ, हालांकि दो कानून है हमारे लिए, आप देख रहे हैं ये कानून है। नैब ने 11 शरीक मुलजिमान को भी धर लिया। एक जमीन पर दो शरीफों के लिए अलग और शर्जील मेमन के लिए अलग मयार। बिलावल भुट्टोकार शर्जील मेमन की गिरफ्तारी पर रद्देअमल। फरतुल्ला बाबर कहते हैं गिरफ्तारी के पीछे कुछ और मकासद हैं। आसिफ जरदारी के गिर्द घेरा तंग करने की कोशिश की जा रही है। वजीर खजाना के गिर्द नैब का शिकंजा मजीद सख्त। नैब ने इसाक डार के तमाम असासे मुंजमद कर दिए। मनकूला और गैर मनकूला असासे मुंजमद करने की रिपोर्ट भी एहतसाब अदालत में जमा। अदालत में ख्वाजा हारिस और नैब प्रोसिक्यूटर में गर्मा गर्मी और तल्ख कलामी। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी ने बारी लगा रखी है। इस बार शरीफ खानदान और जरदारी को NRO नहीं लेने देंगे। इमरान खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सबसे ज्यादा करप्शन सिंध में है, जहां जरदारी और उनकी हमशीरा को एक गैंगस्टर भत्ता जमा करके देता था। अब भी इस किस्म की असरात, चाहे कोर्ट डिसीजन हो या कोई गैर जमहूरी फैसला हो, उससे यकीनन मुल्क पर जो असरात पड़ते हैं वो एक तो फौरी नजर आते हैं, लेकिन असल में जो उसका असर होता है वो अशरों तक रहता है। नवाज शरीफ के जाने से मुल्क और मईशत पर असर पड़ा। गैर जमहूरी के असरात फौरी तौर पर नजर आना शुरू हो जाते हैं। वजीर आजम शाहिद काकान अब्बासी का इंटरव्यू, कहा कि आवाम ने शरीफ की नाअहली का अदालती फैसला तस्लीम भी नहीं किया। क्योंकि होगी भरमार, एक्शन होगा लगातार। ICC सिक्योरिटी कंसल्टेंट की वजीर आला सिंध को शहर मैचेस कराने की यकीन दहानी, कहा मैचेस कराने की सिफारिश करूंगा। पाक श्रीलंका तीसरे T20 के लिए लाहौर में इंतजाम जारी। नश्तर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 26 अक्टूबर से आवाम का दाखिला बंद होगा। स्टेडियम के अतराफ होटल और दुकानें से 30 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। नाअहल शख्स को पार्टी सरबरा बनने से रोका जाए, ओपोजिशन इंतखाबी इस्लाहत बिल में तरमीम कराने में कामयाब। सेनेट इजलास में तरमीम का बिल मंजूर। शिबली फराज के पेशकर्दा बिल की हिमायत में 47, मुखालफत में 21 वोट आए। वजारते दाखला बताए कि लीगी कारकुनों को कौन और क्यों गायब कर रहा है। मरियम नवाज के अपनी ही हुकूमत से सवालात, कहा कि इदारे हुदूद में रहकर काम करें। एहतराम होना चाहिए हर इदारे को, चाहिए दूसरे इदारे का जो उसकी कानूनी और आईनी हदूद है उसका भी एहतराम करे। मरियम नवाज ने कहा कि मुल्की सियासत नवाज शरीफ के गिर्द घूमती रहेगी, नून लीग में इख्तलाफात की खबरों में कोई सदाकत नहीं। अगर मेरे छोटे से इस बयान पे कि जी टेक ओवर कर ले, जो कि मैंने किसी ब्रिगेडियर को नहीं कहा, ट्रिपल ब्रिगेड के, मैंने एक ताबेदार भाई मियां साहब के लिए अल्फाज यूज किए,
तो अगर उस पर मुझे माफी नहीं हो रही तो जो अल्फाज अगर ये कह रहे हैं तो फिर वो खुद ही जिम्मेदार होंगे, मैं तो कुछ नहीं कह सकता। क्या शहबाज शरीफ 111 ब्रिगेड के कमांडर हैं? किसी ब्रिगेडियर को नहीं ताबेदार भाई को ही पार्टी टेक ओवर का कहा। वफाकी वजीर रियाज पीरजादा अपने बयान पर डट गए। मरियम नवाज पर भी तनकीद, नवाज शरीफ के नए मुशीरों को मौसमी मेंढक करार दे दिया। क्या इमरान खान को रकम मुंतकली का इल्म था? नाअहली केस में सुप्रीम कोर्ट का इस्तफसार, कहा कि बादियों नजर में दस्तावेजात में तजाद है, फर्क क्यों नहीं होगा? बदकिस्मती से डॉक्यूमेंट्स ताखीर से मिले। नईम बुखारी के दलाइल, अकरम शेख एडवोकेट ने मजीद दस्तावेजात जमा कराने पर एतराज उठा दिया। समाअत आज फिर होगी। कंदील बलोच कत्ल केस, बीमार गिरफ्तार मुल्जिम मुफ्ती अब्दुल कवी अदालत में पेश। एम्बुलेंस में ही मुफ्ती अब्दुल कवी का बयान रिकॉर्ड किया गया कि जिस्मानी रिमांड में 4 रोज की तौसी, दोबारा अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रायविन में मेहनत कश खातून का अगवा और रेप, बाअसर मुलजिमान की मुतासिरा खातून को जान से मारने की धमकियां। सर जी मैं 7:30 बजे मुझे फैक्ट्री से छुट्टी हुई तो मैं वापस, तो 3 बंदे थे और मुझे वो उठा के ले गए, उन्होंने मुझे बेहोश किया और फैक्ट्री में ले गए। पुलिस ने वाकई का मुकदमा दर्ज कर लिया, मुलजिमान की तलाश के लिए छापे। पाक फौज के जेर इंतजाम पाकिस्तान मोटर कार से इस्लामाबाद पहुंच गई। रैली 3,000 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद गवादर पहुंचकर खत्म होगी। पुलिस की पकड़ दकड़ और इंतजामिया के दावे वादे यकीन दहानियां सब रायगां। कायदे आजम यूनिवर्सिटी में 19वें रोज भी तदरीस बहाल नहीं हो सकी। तलबा का साथियों की रिहाई तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान, क्लासेस भी बंद करा दी। पिशावर के हलका NH4 के ज़मीनी इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज होगा। गहमा गहमी उरूज पर आज न्यूज की हलका तहलका खुसूसी ट्रांसमिशन। कारकुन अपनी जमातों की कामयाबी के लिए पुरुमी। तो कुछ काम नहीं हुआ था यहाँ NH4 में, हर पार्टी ने हुकूमत पार्टी का मैंने आया है, लेकिन किसी ने भी यहाँ जो फंडामेंटल मसाइल है उस किसी ने भी हल नहीं किया। लेकिन बीजेपी का जितना वर्कर है, जितना वर्कर ये सब वो लागे जो नाच गाने वाले लोग है, अभी तुम खुद देख रहे हो। उन्होंने 4 साल चेंज के नाम पर, चेंज के नाम पर अभी तक मिनिस्टर किधर थे? 4 साल में मिनिस्टर इनके किधर बैठे हुए थे? बनीगाला में बैठे हुए थे। बाजौर एजेंसी के इलाके खार बाजार की छत कयामत बनकर मकीनों पर टूट पड़ी। मलबे तले दबने से 7 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए, 6 जख्मी, मरने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के अफरीत ने मजीद 2 जिंदगियां निगल ली, जहां बहक अफराद की तादाद 61 हो गई। पख्तूनख्वा में 6 माह में सरकारी अस्पतालों में 6,319 बच्चों की अमवात का इंकशाफ की रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। थरपारकर में माओ की गोदें उजड़ने का सिलसिला नहीं थम सका। मिट्टी में गिजाई किल्लत और वबाई अमराज से मजीद 2 बच्चे मौत के मुंह में चले गए। रवा महीने तादाद 26 हो गई। जराइम के सामने दीवार, महारत नज्मों जब्त, क्विक रिस्पॉन्स है हथियार। लाहौर के बाद डॉल्फिन फोर्स के जवान बहावलपुर, गुजरावाला और मुल्तान में भी फराइज की अदायगी के लिए अहलकारों ने चमचमाती बाइक्स पर फ्लैग मार्च भी किया। ब्रेस्ट कैंसर से मुतालिक आगाही, इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद गुलाबी रंग में रंग गई। माह अक्टूबर में दुनिया भर में छाती के सरतान से आगाही की मुहिम चलाई जाती है। कराची में आर्ट बनाले इवेंट शुरू, शायरी, फोटोग्राफी, पेंटिंग और परफॉर्मिंग आर्ट पेश करने के लिए हर से फनकारों की शिरकत।